वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी का दिल जबलपुर। आज जबलपुर में बागेश्वर धाम सरकार, बस एक ही दिन बचा हुआ है और कल का समय, और कल है कलश यात्रा। और देख रहे हैं पूरी सजावट पूरा तैयार हो चुका है। और ये देखिए बागेश्वर सरकार सामने बिल्कुल जस्ट आने वाले हैं भाई, माहौल बनेगा। देख रहे हैं यहाँ 10 लाख लोग रहेंगे, 10 लाख लोगों का है अरेंजमेंट, मज़ा ऑसम। और देखिए नज़ारा बिल्कुल, देख जय श्री राम। देख रहे हैं भाई यहाँ पे सीधे सामने रामलीला चल रही है, यहाँ पे प्रांगण बैठेगा, यहाँ पे प्रांगण बैठेगा, और यहाँ पे भाई ऑसम नज़ारा रहेगा। आप भी आइए, तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है साउंड और अलग अलग चीज़ों की। और आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल भाई ऑसम नज़ारा होने वाला है। बागेश्वर सरकार जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ से भागवत कथा सुनाएंगे आपको, वहीं का एरिया आपको दिखा रहा हूँ। ऑल ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है भाई, देख रहे हैं सामने यहीं पे बागेश्वर सरकार आएंगे। और भाई माहौल जमने वाला है जबलपुर पनागर में, आप देख रहे हैं उनके लिए देखिए सजावट हो रही है। बागेश्वर सरकार बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है, आर्टिस्ट लोग हैं इन्होंने पेंटिंग की है। देख रहे हैं सामने यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, सामने देख रहे हैं भाई ऑसम नज़ारा रहेगा। और वहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार बैठेंगे। कई एकड़ में इस पंडाल को तैयार किया गया है और आपको दिखा रहा है। आप सामने देख रहे हैं 15 तारीख से रामलीला कथा का आयोजन चल रहा है यहाँ पर, और भीड़ देखिए आप। और जब बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर कथा सुनाने के लिए जब आएंगे तो भाई कितनी भीड़ होगी आप सोच सकते हैं। यहाँ से एंट्री है और एक वहाँ पे एंट्री है, और देखिए बीच में बागेश्वर धाम सरकार आएंगे, पूरा एरिया खाली है। मेरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा माहौल दिखाऊंगा यहाँ का, तो भैया नॉलेज में रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।